या परवरदिगार हर लम्हा माफ़ी दा मैं तलबगार बिस्मिल्लाह रहमान रहीम कुछ सच्चियां ते कुछ कौड़ियां गल्लां दे नाल तुहाडा भाई तुहाडी खिदमत च हाज़र ते सलाम अर्ज करदा। पाकिस्तान के अंदर जी जिद्दण दा इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च दा ऐलान किया, उस तो बाद बड़ी बड़ी डिवेलपमेंट हुई आ, बड़े बड़े काम होए जी, बड़िया कॉन्फ्रेंसा हुई, मीडिया टॉक्स हुई, जिहड़े 35-36 चैनल आ उन्हां दे विचों तकरीबन 30-32 चैनल जिहड़े आ उह इस गल नैरेटिव नूं पेश कर रहे कि इमरान खान साहब के अंदर फूट पै गई, इमरान खान साहब की लड़ाई हो गई, इमरान खान साहब जनाब जिहड़े आ उन्हां दा लॉन्ग मार्च फलाप हो जाएगा। पहले तो गल इत्थों तक रही जी, फिर एक बड़ी कॉन्फ्रेंस फैसलवाड़ा साहब ने कर दिती जी, फिर उस तो बाद एक बड़ी कॉन्फ्रेंस होर हुई जी जिन्हें सब कुछ हिला के रख दिता जी, और लोग सोचने ते मजबूर हो गए। विच कुछ जिहड़े बंदे सी ओ प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन के ते उन्हां दे उत्ते खौफदारी हो गया अपने मुस्तकबिल बचा, क्यों फसली बटेरे भी विच बहुत सारे हुंदे आ ना जी। ते इहदे नाल नाल जनाब लेकिन इमरान खान साहब ने जी उहदा जिहड़ा वा जवाब अज 11 बजे जदों लॉन्ग मार्च का आगाज़ होया जी, उस वक्त उन्होंने जनाब फिर वो सवाल जिहड़े कल उठाए गए सी उन्हां दा जवाब दिता जी, और बड़े मदलल अंदाज दे नाल जवाब दिता जी। गल यह है जी कि उस बहस उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बहस च भी नहीं पैना, तो इमरान खान साहब के जवाबों च भी नहीं पैना जी। वजह संडिया का भेड़ तो माड़े बंदे का कबाड़ा। गल यह होंगी है जी कि वह जानन तो वह जानन की जवाब दिते मीडिया के उत्ते। इमरान खान साहब की लाइव जी वो लिबर्टी मार्केट वाली तकरीर मौजूद पई आनू सुनो, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस कढ़ो, सवालों जवाब का मुआवजा करो। मैं कल की वीडियो चंद सवाल भाइयों के सामने रख दते, लोग सोचण, सियाने लोग सोचण पाकिस्तान किधर नूं जा रहा, पाकिस्तान किधर नूं लिजाया जा रहा। अज कामरान खान साहब ने बड़ी हमदर्दाना अपील जी जनरल कमर जवेद बाजवा साहब के नाल की जी। उन्होंने कहा कि जिस नहज के उत्ते पाकिस्तान इस वक्त पहुँचया होया वा, जो अदारियां दी साइड जिहड़ी आ उह नज़र आ रही आ, जो इमरान खान साहब दी साइड नज़र आ रही आ, इहदे मामलात जिहड़े आ कुछ होर सिमत अख्तियार ना कर जाण, तुहाडे कोल 4 हफ्ते आ या 3.5 हफ्ते आ, तुहाडे ते फर्ज बनदा जिथे तुसी पूरी दुनिया दे विच बाजवा डॉक्ट्राइन मशहूर होई, पूरी दुनिया ने इस गल नूं एक्नोलेज कीता कि बाजवा साहब ने एक अपना जिहड़ा टेन्योर आ बड़ा अच्छा गुजारिया, 6 साल उन्होंने ने जनाब हुक्मरानी की पाकिस्तान के उत्ते जी। असल वजीरे आजम भी वह रहे, असल सदर भी वह रहे, असल बादशाह भी उही रहे जी, बाकी जिहड़े आ उन्होंने काम किया जिदा जिदा उन्हां दीयां ड्यूटियां वंडियां गईयां सी, ओ ए अल्लाह ताला ने उन्हां नूं जी आज़ाज़ दिता जी। कामरान खान साहब ने उन्हां अगे रिक्वेस्ट की कि कुछ गलत फहमियां जिहड़ियां आवाम के अंदर मौजूद आ, कुछ अदारियां च मौजूद आ, कुछ इमरान खान साहब के ज़ेहन दे विच मौजूद आ, ये सारे मामलात नूं एक टेबल ते बह के बाजवा साहब जाण तो पहले अगर ये हल कर लोगे तो जिहड़े आने वाले आर्मी चीफ साहब होणगे उन्हां वास्ते एक अच्छा माहौल, साफ सुथरा माहौल जिहड़ा वा वह मुहैया हो जाएगा, तो वह अपना वर्किंग जिहड़ी आ पाकिस्तान की सोच रखते हुए, पाकिस्तान की फौज की सोच रखते हुए वह जिहड़े आ फैसले जिहड़े आ वह अच्छे कर सकणगे जी। बहरहाल के जी लोंग मार्च के दुनिया जिहड़ी आ वह सुबह जिस वेले मीडिया ने स्टार्टिंग शुरू की ना जी, 35 चैनल जिहड़े सी जी उन्हां चों 30-32 जिहड़े आ वह साबित करन दी कोशिश कर रहे सी कि इमरान खान साहब के लोंग मार्च बंदे ही कोई नहीं है जी, ये तो फलाप हो गया जी, मान लिया जी फलाप हो गया जी। पैमरा नूं की जरूरत पै गई जी, अचानक भी पाबंदी लाती भी ये नहीं दिखाना जी। उदी वजह यह हुई आ कि 11 बजे लोग वार्म अप होना शुरू होए आ, 1 बजे तक मेला भख गया जी, जो मेला भख्या तो फिर बड़े बड़े दूर दूर तक जो फुटेजिज़ गई, जो रिपोर्टा गई भी इतने तक नक्शा ही बदल गया जी, उस वक्त फिर वो हिलजुल हुई, फिर पैमरा हरकत आया, कुछ होर लोग हरकत आए, हुकूमती अरकान जिहड़े आ हरकत आए, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंसा शुरू हो गई, कुछ जनाब बयान शुरू हो गए, कुछ वो जिहड़े मीडिया एंकर उन्होंने रंगबाजी करनी शुरू कर दी। बहरहाल के
शो ये करने की कोशिश की कि जरा जरा फलाद हो रहा दिखाया नहीं जा रहा सी। आ रात को जिसलिए एक दुनिया सौ सू जाएगी बेच जिथे कितने पड़ाव किया जाएगा उस वक्त वो जो ड्रोन आ सारा दिन नहीं उड़े जी उन्हें मीडिया वालिया के वो रात को उड़न गए जी। फिर रात को कितने ढाई तीन चार बजे जो तो लोग आराम कर रहे हो उसने दिखाएंगे कि लोग तो है ही नहीं यदा फायदा होएगा जी। फायदा यह होएगा कि वह लोग जेडे खुशफहमी च मुबतला रहे वरना जो कुछ इस्लामाबाद के हालात किए जा रहे हैं कंटेनर ला ला के चार चार तहवा लाती जी कंटेनर दियाँ तो ये मामलात उत्थे हो रहे हैं। खौफ जिहड़ा वो हर तरफ फैल गया लॉन्ग मार्च का। लेकिन इमरान खान साहब जिहड़े आ वह कहिंदे आ जिन्हों अल्लाह ताला ने एक रस्ते लिए चुन लिया हुंदा वा फिर उहदा कोई रिजल्ट निकलता वा। कल की वीडियो मैं गल कही सी जो अरशद शरीफ साहब के जनाजे उत्ते लोगों ने रिस्पोंस दिता जो नारे उत्थे लगे आ वह बहुत बड़ा मैसेज सी जी उन्हां लोगों के सोचण वास्ते जिन्हां ने सोचना जी। दो पिछले जिमनी इलैक्शन जिहड़े आ वह सोचण दा टाइम सी जी नहीं सोचा गया। बहरहाल के जी वह नहीं सोच रहे तो साढ़े तो साड़ी सेहत पर असर यह आ कि असी तो गरीब तो गरीब तर होंदे जा रहे जी। सारे किसान मर रहा इंडस्ट्री बंद हो रही पाकिस्तान की मईशत तबाह हो रही आ यह सारा कुछ हो रहा जी। चलो जिहड़ा नहीं सोच रहा अल्लाह उन्हां दा भला करे जी। इस तो ज़्यादा होर कुछ नहीं कह सकते। इहदे नाल नाल जनाब चार किलोमीटर तक लंबी लाइन दा जी जिहड़े लोगों की आ जिहड़े पैदल चलण वाले आ कारा उस तो अलावा जी वैगना उस तो अलावा ट्रक बसा जिहड़ियां नाल आ ओ उस तो अलावा हजे सिर्फ लाहौर का क्राउड आ जी बाहर का हजे शामिल नहीं होया। पोजीशन ये है जी कि जिथों जा रहे लोग जोग दर जोर शामिल होंदे जा रहे आ और इमरान खान साहब जिहड़े आ उन्होंने दो तीन जगह पर तकरीर की आ खड़े होके हजे जिस वक्त आ मैं वीडियो कर रहा 12 बजे के बुलेटिन के मुताबिक जनाब मजंग जिहड़ा वा वह क्रॉस किया सी। उस तो बाद हजे इन्ना सफ़र तय किया लिबर्टी तो लैके तो उत्थ तक पहुँचे तो इस तो दुनिया का अंदाज़ा ला लो भी कितनी दुनिया वा जी। वो लोग शामिल भी हो रहे आ वो लोग जरा अपना नाल जिहड़े लोग नहीं जाना जिन्ह ने वो लोग जिहड़े आ फिर वो त खान साहब के मतलब कि लॉन्ग मार्च के शामिल होंगे उस तो बाद पिछे हट जाते जगह पर नवी टोलियाँ शामिल हो जाए। ये मेरे हिसाब ना अगर इनू देखा जाए तो कम से कम ये 5 दिन भी थोड़े आ जी लोगों ने पैदल चल के जाना जिस तरह समझ लो इस तरीके दे नाल इस्लामाबाद पहुँचना। हजे जनाब सिर्फ पंजाब शुरू होया जी इहदे नाल नाल जनाब KPK ने आना इहदे नाल गिलगित बल्कस्तान ने आना आज़ाद कश्मीर ने आना वा जी। उस तो बाद 5 तरफा प्लैन आ जी उहदे ते जनाब हुण हुकूमत जिहड़ी आ उह सोच विचार भी कर रही अपना लाहे मलबे इख्तियार कर रही आ। अज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग आ जिन्हां नूं नोटिस FIA वालों जारी हो गए जिस शाह महमूद कुरैशी साहब भी शामिल आ अली अमीन गंडापुर साहब जिहड़े आ उन्हां दे मुतलक एलीगेशन लाया जा रहा कि वह को जत्था लैके आ गए उन्हां को असला जी। ये मतलब कि कम हो रहा कुछ धमकियां ये दित्तियां जा रही जी असी जिथों चाहिए पाकिस्तान चो गिरफ़्तार कर लेंगे। परवेज लाई साहब ने जनाब फुल फ्लैश जिहड़ी आ सपोर्ट का ऐलान किया और उन्होंने कहा पूरे प्रोटोकॉल के नाल हर जगह जिथे तुहानूं खतरा नज़र आए उत्थे जनाब सिक्योरिटी इस जुलूस नूं मुहैया की जाए ताकि लोग पुर अमन तरीके दे नाल जिहड़ा वा वह लॉन्ग मार्च जिहड़ा वह अपना सफ़र जारी रख सके। बाकी जनाब आजम स्वाति साहब ने प्रैस कॉन्फ्रेंस की उहदे विच दो नाम लैते जी दो अफसरान दे जी एक मेजर जनरल कोई हैगे आ जी फैसल साहब एक आसम साहब आ सैक्टर इंचार्ज उन्हां दा नाम लिया। फिर उन्होंने मीडिया टाक की उन्होंने कहा कि मेरे वकीलों ने कहा कि एक एक लफज अज लिख के बोलना फिलबदी जिहड़ा कोई चीज़ नहीं बोलनी। उन्होंने जनाब एक मतलब कि बड़ा इशू खड़ा किया और बाजवा साहब ने अपील की आ कि ये मैनू इंसाफ दिलाया जाए। ये नाल नाल उन्होंने जनाब सुप्रीम कोर्ट के उन्होंने दरखास्त दी हुई आ उन्हां नाल भी अपील की आ। ये नाल जनाब फैसल वाडा साहब जिहड़े आ उदन ते प्रैस कॉन्फ्रेंस करन तो बाद वह हुण उन्हां दे उत्ते जो कुछ बीत रही आ जिदा लोग उन्हां तो पिछे हट गए यानी वो जिथे उन्होंने जो मकाम सी उत्थों उन्होंने लोग बिल्कुल जमीन पर लाया उन्होंने अपनी गलती का एहसास होया
ਉਹ ਹੁਣ ਆ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਟਵੀਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਹਿੰਮ ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਜੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਚਿਹਰੇ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੋਂਗਲੂ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮਿਲਦੇ ਆ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਵਜੂਹਾਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਂਗ ਮਾਰਚ ਮਸਰੂਫ ਆ, ਵਾਡਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲ ਵਾਡਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਇੱਕ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਤਰੀਨ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਹਦਾ ਫਾਈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮਕਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਸ਼ਰਪਸੰਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਆਹਦਾ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ। ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਸਨੈਰੀਓ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਜੀ ਅਰਫਾਨ ਹਾਸ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਦਣ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਰਫ ਅਰਵੀ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਫੈਸਲ ਵਾਡਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮਾਮਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਜੀ, ਫੈਸਲ ਵਾਡਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਕੁਛ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਡਰ ਗਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਖੁਰਮ ਲਗਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਆ ਜਿਸਲੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਟਵਿੱਟਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਖੁਰਮ ਲਗਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਮੂਨਸ ਅਲਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਲੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਵਤਨ 'ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਂ 'ਚੋਂ ਤੁਰ ਪਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੋਈ ਆ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਬੰਦੇ ਗਿਣਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆ ਜਿਹੜਾ 16 ਤੋਂ 18ਵੇਂ ਸਾਲ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਵੋਟ ਬਣਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਖਾਨ ਦਾ ਵੋਟਰ, ਅਤੇ ਵੋਟ ਤੂੰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈਣੇ ਆ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਆਵਾਮ ਨਿਕਲੀ ਆ ਜਨਾਬ, ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਆਵਾਮ ਨਿਕਲੀ ਆ ਫਿਰ ਖੁਰਮ ਲਗਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠਾ ਵਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੋ ਟ੍ਰੈਂਡ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਲੋਕ ਕੱਲ੍ਹ ਅਰਸ਼ਦ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਆ, ਜੋ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਬਿਹਤਰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿੰਨ ਦਫ਼ਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਚਾਰ ਦਫ਼ਾ ਕੌਮ ਨੇ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਜੋ ਰਿਟੈਲੀਏਟ ਆਵਾਮ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਜ਼ਿਮਨੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਜਨਾਬ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਜੀ 6 ਨਿਸ਼ਸਤਾਂ ਵਾਲਾ, ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਤਨਾ ਕਰਾਊਡ ਸੀ, ਜਿਤਨੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਮੁਹੱਬਤ ਔਰ ਚਾਹਤ ਅਰਸ਼ਦ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜ਼ਹਾਰੇ ਯਕਜੇਤੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗੇ, ਜੋ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰਫ ਲਿਜਾਣਾ ਜੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਅਰਸ਼ਦ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਜੀ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ ਅੱਜ ਲਿਬਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਲਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਥੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਰਸ਼ਦ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਏਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਹਾਫ਼ਤ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਅਰਸ਼ਦ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਇਬਾਨਾ ਨਮਾਜ਼ ਜਨਾਜ਼ਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਔਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬੜਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਲਮਾਨ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਉਹ ਕੁਛ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਲਮਾਨ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਾਲਕ ARY ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਿੰਦਾ ਵਾਂ ਅਰਸ਼ਦ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਘਰ ਦੇ ਲਵਾਜ਼ਮਾਤ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਚੱਲਦੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। 3 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀ, ਬੱਚੇ ਕੁਛ ਛੋਟੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਛੋਟੇ ਆ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੜਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾ, ਬੇਟੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਤਰਤੀਬ ਵਾਈਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਗੇ ਛੋਟੇ ਆ ਜੀ। 3 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਸੀ ਅਰਸ਼ਦ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜੀ।
ये भी मैंने खबर मोई पीर ज़्यादा साहब को पता लगी जी, वरना नहीं। दूसरा जनाब जिहड़े चाचा गुलाम हुसैन साहब आ जी, उन्होंने उन्हों का मतलब 14 दिन का रिमांड FIA ने मंगया सी, वो मौजूद अदलिया ने जनाब रिजैक्ट करता, उन्होंने जुडिशल कर दिता गया, वो हुण उन्हां दी जमानत हो जाएगी तो वह बाहर आ जाएंगे जी। ये 74 साल के बजुर्ग के नाल वाकया होया जी। ये नाल नाल जनाब बड़ी खबर जिहड़ी आ वो एक होर आई आ, वो ये आ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस तरह ही लौंग मार्च शुरू किया उहदे नाल एक उन्होंने खुशखबरी जी जिथे आवाम निकली आदि खुशखबरी ये आई कि इस्लामाबाद जी बार जी जी सुप्रीम कोर्ट सुपीरियर बार आ पाकिस्तान की सब तो बड़ी, उहदे विच आबद जुबैरी साहब जेडे हामद खान साहब के कैंडीडेट सी या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के विंग दे सी जी, वो विन कर गए आ। आसमा जहांगीर ग्रुप जरा हार गया। ये बहुत बड़ी कामयाबी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ नूं मिली है जी। अज के दिन दे विच जिथे लौंग मार्च लोगों ने शिरकत की उथे ये कामयाबी अल्लाह ताला ने उन्होंने दी। बाकी भी मंजिल जड़िया वा अल्लाह पाक करेगा, जो ये कौम फैसला कर लेंदी आ उस वक्त अपना जड़ा जो टारगेट हुंदा उहनूं हासिल करना चाहती आ। गल मैं बार बार एक गल करदा कि पाकिस्तान के अंदर दो पाकिस्तान के कौम के दो दुश्मन आ जी, भारत अमेरिका। और इस वक्त भारत जिहड़ा वा वह जनाब जिस वेले मरियम नवाज साहब या नवाज शरीफ साहब फौज के मतलब के अच्छे लफ्जा याद कर रहे थे फौज नूं जी, गुजरांवाला इधर उधर जो कर रहे थे फैसलाबाद किया जी, जो कुछ किया, तो उस वक्त भारत का मीडिया कह रहा है कि एक ऐसी लीडर पाकिस्तान के अंदर पैदा हुई है जी फौज नूं टक्कर दे रही। अज जनाब वो पाकिस्तान दे इमरान खान के खिलाफ बोल रहे हैं कि पाकिस्तान की फौज के हमदर्द बन गए। माशाअल्लाह जी, अल्लाह ताला दा करना देखो कि कमाल नहीं कर दी जी। वो हुण मसाले ला के पेश किए जा रहे, उसकी वजह कि वह अभिनंदन वाली चपेड़ा जिहड़ियां वह कले अभिनंदन नूं थोड़ियां पईयां सी, वह तो सारे भारत नूं पईयां सी। वो जनाब जिहड़ियां चपेड़ां दा दुख वा या जो कुछ इमरान खान साहब ने उन्हां नूं UNO चो नंगा कीता वा, जो मोदी की फाशिस्ट जी हकूमत आ या जो जुलम जबर मुसलमाना ते कश्मीरियां ते करते रहे, वो इमरान खान साहब ने इंटरनेशनल फोरम देते जिथे फलस्तीन का मसला चुकया, जिथे नमूसे रसालत का मसला चुकया, उत्थे जनाब उन्होंने इस मोदी ने भी नंगा किया। वो हुण जिहड़ा वा कढ़ रहे ते अज जिन्ने चैनल आ प्री प्लैन वो एक मिशन के तहत किसी के कह दे उत्ते जनाब किसी ने कहा है जी भी इस नैरेटिव नूं जरा बिल्ड किया जाए। तो पाकिस्तान के अंदर सहाफ़ियों की गैरत इन्नी आ कि कोई इंडियन चैनल जिहड़े आ उन्हां दे कट पीस करके वो वीडियो शेयर कर रहे आ, वो डुब के मर जाओ तुसीं जिहड़े वीडियो जिहड़ियां शेयर करते फिरदे हो वह भी भारत दीआं। बहरहाल के जी मैं मुल्क के हालात के तहत बाजवा साहब जिहड़े आ उन्हां अगे जिहड़ी कामरान खान साहब ने रिक्वेस्ट की आ उन्हां वास्ते बहुत सोचण दा मकाम आ। अगर पाकिस्तान के अंदर वो ये निज़ाम बड़े अच्छे तरीके कंट्रोल करके कुछ शिकायत जड़िया आजम स्वाति साहब दियाँ, कुछ इमरान खान साहब दियाँ, कुछ जी मौजूदा गौरमेंट आदियाँ हो जी, इन्हों एक टेबल पर बिठा के कुछ जड़े आ होर मामलात आ जोड़े को अफसर नाराज़ आ उन्होंने भी आपस बिठा के या उन्होंने अगे पिछे करके जिथे भी करना वा वो करके एक मामला जिहड़ा आने वाले आर्मी चीफ साहब आ उन्हां वास्ते एक प्लेटफॉर्म ऐसा मुहैया किया जाए जिहड़ा बिल्कुल मुहब्बत प्यार वाला होवे, आवाम की मुहब्बत जिन्ना चिर पाकिस्तानी जिंदा वा उहदी फौज दे नाल ही रहनी है जी, ते फौज की मुहब्बत पाकिस्तान नाल। बाजवा साहब का अपना कौल आ कि पाकिस्तान कोई भी टारगेट पाकिस्तान की फौज उस वक्त हासिल नहीं कर सकती जदों तक पिछे आवाम की सपोर्ट ना हो। इस वास्ते ये फैसले जोड़े आ सोच समझ के करने चाहिए आ। बाकी जनाब सूरत हाल जी हकूमत पाकिस्तान जी कई तरीके सोच रही, कई गल्लां सोच रही आ। जड़ा परेड ग्राउंड आदे मेरा ख्याल आ जी हुण जगह मिलेगी जी, बाकी जगह तो रिफ्यूज़ करता गया कि वह जो एक साइड पर आना जी तो उत्थे बैठे रहेंगे महीना दो महीने, लेकिन इमरान खान साहब के 5 प्लैन आ जी, उन्हां 5 प्लैनों के तहत उन्होंने काम करना जी। ये तो पता लगना जी उदों जदों दुनिया उत्थे चलेगी, उत्थे 1 लख बंदा नहीं मान ते जिथे बंदे जिहड़े 5-7-10 लख बंदा जी इकट्ठा हो गया उत्थे, ते फिर मतालबात मनने पैने आ। बेहतर ये आ
कि इस मा इस जगह तक पहुँचने का मौका ही ना आए। आ जिसले तुसी गुजरांवाले निकलना वा ना जी, सफ़र शुरू होना, रंग बनना, जेलम दे विच जाके बनना, उत्थे जाके पता लगना जी जदों बाकी काफले भी तुर पैने आ, और फिर जिहड़ियां रिपोर्टां आणियां फिर सोची पिया ते बंदा गया ते सलाम अलैकुम।